नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास खबरों के साथ। चित्रा मुद्गल की खबर के मुताबिक अलवर मुख्य चिकित्सा कार्यालय में सीएमएचओ श्याम सुंदर अग्रवाल और आरसीएचओ डॉक्टर ओपी मीणा ने राष्ट्रीय कांति मुक्ति दिवस पर प्रेस वार्ता की। इसमें बच्चों के पेट में होने वाले कीड़ों के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही इनसे बचने और इनके लक्षण और दवाइयों के बारे में भी बताया गया। चित्रा मुद्गल की रिपोर्ट के मुताबिक जयपुर में रात 2 बजे के करीब रमेश मार्ग पर एक्सिस बैंक में रखे 925 करोड़ रुपए लूटने का घटना का प्रयास हुआ, जिससे बैंक में तैनात राजस्थान पुलिस के जवान सीताराम ने खतरे को देखकर फायरिंग कर दी, जिससे बदमाश भाग खड़े हुए। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश मुंह पर कपड़ा बांधे नजर आ रहे हैं। ग्वालियर शताब्दी पुरम दंदरुआ धाम में 15 जनवरी से चल रहे विशाल 165 कुंडलीय रुद्र महायज्ञ के समापन पर करीब 10,000 श्रद्धालुओं ने हवन में पूर्ण आहुति दी। समापन अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश जादौन, राहुल जैन सहित सैकड़ों प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यज्ञ का आयोजन महामंडलेश्वर स्वामी रामदास महाराज, ईश्वरदास महाराज, गोपाल दुबे, गौरव महाराज और स्वामी पुष्करानंद महाराज ने किया। हरियाणा गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला ने अपना 72वां जन्मदिन नूह जिला के गांव संगेल स्थित श्री चेतन राम गौ संवर्धन संस्थान में गायों को गुड़ खिलाकर मनाया। इस मौके पर उन्होंने संस्थान को चारे के लिए 2 लाख का चेक देते हुए प्रण लिया कि अगले 2 महीने के भीतर प्रदेश में एक भी गाय आवारा नहीं घूमती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के बांकी मोगरा थाना अंतर्गत कुछ लोगों द्वारा बल्कि मोगरा सुराक्षार खदान से कोयला चोरी कर ईंट भट्टा बनाने और बिक्री करने के लिए बोरियों में भरकर रखे जाने की सूचना पुलिस को मिली। थाना प्रभारी निरीक्षक एसएस राजपूत ने 4 टीम गठित कर दबिश में हरी कंसर, संतोष कर्स, पस्तूल सिंह से 97 बोरी कोयला जब्त कर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमारे मुंबई ब्यूरो चीफ शुभ नारायण शाह ने बताया कि आर के एचआईवी रिसर्च सेंटर और भाजपा उत्तर मुंबई जिला द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 50वीं पुण्यतिथि पर मुंबई के सबसे विशाल महारोग्य शिविर 11 फरवरी को सीपीडब्ल्यू मैदान मालवड़ी मलाड पश्चिम में होगा, जिसमें 1 लाख से अधिक मरीजों को मेडिकल जाँच, 20,000 चश्मों और दवाइयों का निःशुल्क वितरण होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन महाराष्ट्र के सीएमएन देवेंद्र फडणवीस करेंगे, जिसमें सांसद राव साहब दानवे, विनोद पांडे, विनोद ताबरे, विनोद शेलार, नरेंद्र राठौर, गणेश खनकर आदि लोग मौजूद रहेंगे। मुंबई कलवा देवी इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन के प्रेसिडेंट कांतिलाल मेहता को वर्णिका दर्पण की कॉपी संपादक शुभ नारायण शाह ने प्रस्तुत की, जिसमें इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन संगठन के किस तरह समाज के लिए काम कर रहा है, इस विषय पर चर्चा हुई। मुंबई कांदिवली पश्चिम श्री राम सत्संग समिति द्वारा आयोजित संगीत में श्री राम कथा का 3रे दिन भगवान राम के जन्म के प्रसंग में साथ संपन्न हुआ। कथावाचक श्री सुधीर जी महाराज ने राम कथा के अलग अलग पहलुओं को भक्तों को आनंदित किया। हरियाणा से हमारे संवाददाता उमेश अग्रवाल ने बताया कि रोहतक के साभार गांव के जनसेवा संस्थान निःशुल्क पब्लिक स्कूल के प्रांगण में बाल भक्ति कार्यक्रम हुआ। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर स्वामी परमानंद जी महाराज ने की। इस मौके पर आरएसएस के संपर्क प्रमुख सुभाष आहूजा, ईश्वर सिंगर, हरिओम भाली, सोनिया नागपाल, उषा मिगलानी और समस्त स्टाफ उपस्थित रहे। दमों में नियमितीकरण की मांग को लेकर शालाओं को बहिष्कार करके 1 सप्ताह से तहसील पर सरकार के खिलाफ शपथ लेकर प्रदर्शन करने वाले अतिथि शिक्षकों ने जिला मुख्यालय पर एकजुटता दिखाते हुए प्रभावी प्रदर्शन किया। बाद में एसडीएम ने धरना स्थल पर पहुंचकर अतिथि शिक्षकों की मांगों का ज्ञापन लेकर इसे शासन तक पहुँचाने का आश्वासन दिया। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।